बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू एच एम 3D। आज हम 3D मैक्स में देखें, ये एक बिल्डिंग समझ लें जो भी है। तो आज हम ये बिल्डिंग इसी मटेरियल में और इसी शेप में तैयार करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, थोड़ी सी क्रिटिकल है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो लेट्स आए देखें, इसको हमने जो है इसको कहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। ये JPG फाइल है मेरे पास, ये देखा एक JPG फाइल है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया है 3D मैक्स में। तो इसको 3D मैक्स में कन्वर्ट करके हमने इसको 3D शक्ल दी है। तो लेट्स गो स्टार्ट, देखें ये कैसे होता है। वेरी ही इजी है। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ जी, रीसेट, डोंट सेव, यस, ओके जी। मेरे पास ये पैनल ओपन हो गया। सो कस्टमाइज में आप देखें, सबसे पहले यूनिट सेटअप, मीटर्स, सिस्टम यूनिट आल्सो इन मीटर्स, ओके एंड ओके रन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ आप शेप्स में आ जाए। शेप्स में आने के बाद एक रेक्टेंगल फ्रंट पेज पे आप उसको क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद मॉडिफायर में जाएं और इसको आपने क्या करना है, साइज़ दे देना है। साइज 5x4 का साइज़ दे दें इसको, 5x4 का साइज़ हो गया 5x4, ये 5x4 का हो गया। तो इसको राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक, इसको सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, और इस पर राइट क्लिक करें और इसको 0 0 करें ताकि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाए। 0 0 हो गया, लेकिन अभी ये 5 है। तो हमने इसको क्या करना है, माइनस 2.5 कर देते हैं, सॉरी प्लस 2.5 हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इसको हमने क्या करना है, ऑल्ट W, और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफायर लिस्ट में जाते हैं और यहाँ से UV मैप कर लेते हैं। UVW कहाँ गया, ये रहा, ये ओपन हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, M प्रेस करें, मटेरियल लाइब्रेरी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिया। और उसके बाद हमने वापस जाना है अपने, ये हमारे पास जो ये पिक्चर पड़ी हुई है, हमने उस पिक्चर को JPG को उठाना है और 3D मैक्स पे लेके आना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद ये देखें, इसको डिफ्यूज़ पे लगा दें, ये डिफ्यूज़ हो गया। और इसको इसको अप्लाई टू ऑब्जेक्ट कर दें, ओके हो गया, इसको बंद कर दो। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया जी 4x5 के साइज में। तो अभी आप इसी के ऊपर हमने काम करना है। सेलेक्ट पे जाएं, शेप पे आएं, लाइन लाइन क्रिएट करें। यहाँ से हमने एक लाइन लेनी है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बल्कि नहीं लास्ट तक, यहाँ तक ले लें। और उसके बाद यहाँ तक और यहाँ तक इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद Alt Q प्रेस करें और यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट वन प्रेस करें, वन, ये वर्टेक्स हमें नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दें, सिंपल डिलीट। और उसके बाद इसको यहाँ पे ले गए ताकि जितना उसमें कुछ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। और उसके बाद इसको नाम भी दे दें आप, नाम 001 कर दें इसको, ओके हो गया। उसके बाद इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, ये यहाँ से ये सेंटर वाली ये लाइन बना लेते हैं। उसके बाद ये लाइन यहाँ से लें, ऑलमोस्ट यहाँ से ले लें सेंटर से,
ये हो गया और इसके साथ आने दें, और उसके बाद इसके साथ और इसके साथ और फिर अपने पहले ऑब्जेक्ट के साथ, ये हो गया हमारे पास। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट क्यू कर दें, ओके, और ऑल्ट क्यू पे अभी हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ले जाएं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर लिस्ट, वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को आपने डिलीट कर देना है, और इसको चेक कर रहे हैं कि डबल लाइन तो नहीं है, वर्टेक्स, डब्ल्यू प्रेस करें, लग तो नहीं रही डबल लाइन, सिंगल लाइन ही लग रही है, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे लेके ताकि इसको सीधा कर लें, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ तक हो गया और ये यहाँ तक हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं 002 का, 002 का, ओके हो गया। उसके बाद हम इसको दोबारा ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमने अब इसका ये साइज निकालना है, ये सेंटर, दोबारा हम शेप में जाते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ तक, ये हम बॉर्डर, ये बॉर्डर हम इसके साथ लगा देते हैं, ये बॉर्डर यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, उसके बाद आर्क, आर्क, ये आर्क हो गई, उसके बाद फिर आर्क यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क हो गई, उसके बाद लाइन, ये लाइन हो गई। तो हमने क्या करना है अब इसको, राइट क्लिक, अटैच, ये अटैच हो गई, ओके हो गया। अब हम इसको टच, ये भी अटैच हो गया, अब प्रेस वन करें इसको, सॉरी इसको थोड़ा सा आगे लेके आए, या इसको राइट, और इसको इसके साथ, ओके हो गया। सबको राइट क्लिक, यहाँ पे नहीं है, वर्टेक्स, इसको वेल्ड कर दें, इसको वेल्ड 0.02 बस। तो ये वेल्ड हो गया, और इसको नाम क्या दे देते हैं, 04 का, ओके, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, अनहाइट आर, एक ये तैयार हो गया, एक ये भी तैयार हो गया, अब हमारे पास डोर बाकी हो गया।
001। तो हम पिक्चर में देख लेते हैं कि ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये थोड़ा बाहर है ये। तो हम इसको मॉडिफायर लिस्ट, ऊपर मॉडिफायर लिस्ट ई प्रेस करें, और शिफ्ट ई प्रेस करें, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड हम कितना कर लेते हैं इसको, इसको कर लेते हैं 2.25, ओके हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये हो गया, सॉरी ये हो गया। तो इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया, अब आप इस पे आए, यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर दें। तो हमारा एक्सट्रूड कितना हो गया, ये हमारा हो गया 25 में, ये हमें 0.15 चाहिए, ये 15 हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये एरिया बच गया, ये एरिया यहाँ पे पेस्ट। तो इसको 0.1 हाइट दे दें इसकी एक्सट्रूड की, ये हो गया। और इसको पेस्ट पेस्ट इसकी अमाउंट कितनी है जी, 0.01 कर दें इसको, ओके हो गया। और हमारे पास ये डोर बच गया, डोर पेस्ट इसको 0.02 कर दें, बस 2 सेंटी कर दें, ये हो गया जी हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा, जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, ओके हो गया। एम प्रेस करें, मटेरियल, इस मटेरियल लेके ये यूवीपी, ये देखें हमारे पास ये मटेरियल आ चुका है। तो इसको घुमा के देख लेते हैं, हमारे पास वो मटेरियल आ चुका है। हमने इसको सिर्फ जस्ट वो मटेरियल जो इसके अंदर है वही इसके ऊपर देना है। सेलेक्ट करें इसको, सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आए, यहाँ पर देखें ये एक्योर, इसके ऊपर नीचे नीचे वाला जो आपके पास प्रोजेक्ट है उसके ऊपर स्टार्ट करें, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक्योर एब्सोल्यूट, ओके वही मटेरियल आपका इसके ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको लेके आए यहाँ पर, इसको यहाँ पर लेके आए, नीचे जाए, क्योर एब्सोल्यूट, ओके। अब इसके ऊपर क्लिक करें, पहले प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, यूवी मैप को इसके ऊपर लगाएं, कलर को लगाएं, उसके बाद नीचे आए, ओके हो गया। उसके बाद आपके पास ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हो गया यार, यहाँ से लगा दें असाइन मटेरियल, और उसके बाद नीचे आए, एक्योर, ओके हो गया। फिर नीचे क्लिक करें, यूवी मैप को लेके आए, उसको लेके आए, और उसके बाद एक्योर एंड एब्सोल्यूट, ओके। ये आपके पास एक प्रोजेक्ट, अब इसको आप हाइड कर दें, हाइड सिलेक्शन, ये आपके पास सेम वही चीज तैयार होके आ गई। फ्रंट पे करें इसको, इसका एक ग्रुप बना लें, ग्रुप, ग्रुप के बाद फिर क्या करें, एक्स प्रेस करें, एस के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिमेट्री, एस वाई, ये सिमेट्री एक्स की तरफ, ये देखें मिरर, जेड नहीं है सिर्फ एक्स की तरफ, एस को स्नैप को ऑफ कर लें, ये हो गया।
वेक्टर को ऑफ करें, इसको मिरर को ऑफ करें, इसको कॉपी कर लें, कॉपी सेलेक्ट पेस्ट, पेस्ट पे बाद फिर सॉरी यू दीजिए मैंने, या इस तरह करें सीधा इसको सेट करें, फिर एक्सप्रेस करें, इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी सिमेट्री ले लें, सिंगल है ये सिंगल पे कर दें, हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद एक्स, इसके बाद एस वही करें, इसको पहले एफ करें, ये यहाँ पे एक्स एस वाई सिलेक्ट, इसको एफ करना पहले सिलेक्ट एक्स एस वाई एक्स की तरफ, पीछे जाए प्रेस करें, इसको यहाँ पर लेके आए, अब इसको एंगल से नैप ऑन करके इसको अब सेट कर लें, अब F3 प्रेस करें, W प्रेस करें, यहाँ पर लेके आए, अगर इस पर सही आ गया गुड, उसके बाद फिर ये नहीं एफ की तरफ हो गया, उसके बाद सिलेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर एक्स एस वाई सिमेट्री, सॉरी ये नहीं है, इसको ऑफ करें, और उसके बाद फिर क्या करना है, एक्स प्रेस करें, सिंपली एक्स एस वाई सिमेट्री, और फिर एक्स जेड नहीं है, यही हमारा प्रोजेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या करना है, इसको टॉप पे आके इसको फ्लोर दे दे बॉक्स, और इसी तरह आप इसको रूफ दे दें, यस ये हो गया जी। आप कोई भी कोइंस जो दिल करे मटेरियल इस पर अप्लाई करके इसको आप मुकम्मल कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।